अरे बाप रे, सुबह के बज रहे 10:15 और सुबह 6 बजे से मेरा फोन का अलार्म बज रहा है और मैं उसे बंद कर रहा हूँ क्योंकि उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर इतनी तेज हवा चली है ना पूरी रात भर, पता नहीं अभी बाहर की जो हमने टार्प लगाई थी वो टिकी हुई है या फिर निकल गई है, क्योंकि बीच में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ऐसी तेज आवाज आई थी कि मुझे लगा कि सर टार्प नहीं निकल गई है। और जो बड़ा वाला डॉगी था ना वो यहाँ पे मेरे सर के साथ में आके बिल्कुल चिपक के सोया है और रात भर उसने जो खर्राटे लिए भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले उठ के गया, मैं सोच रहा था कि इस एरिया में धूप आ जाती तो मैं बाहर निकलता, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अपने को वापस भी जाना है और ये सारा पैकअप भी कर रहे हैं। तो काम करते, उठते, फ्रेश होते, देन फिर आगे कंटिन्यू करते। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। सच बता रहा हूँ अभी भी मन नहीं कर रहा उठने का, मैं मन कर रहा बस सोता रहूँ यहाँ पे। दो पॉइंट बचे अभी इसके। हाँ ओके, तो टार्प तो ठीक है लेकिन वो लूज हो गई थी हवा की वजह से, तो इसलिए वो ज़्यादा हिल रही होगी, देन पूरी रात आवाज़ आ रही थी। बाकी तो सारी जगह कनेक्टेड है। तो रात को हमने इसके अंदर अच्छा खासा उबलता हुआ पानी रखा था, देखते हैं अभी भी उतना ही गर्म है या फिर ठंडा हो गया है। भैया धुआं तो उठ रहा है, पीने वाले लेवल का है। चिकन बनाने के बाद बर्तन इतना गंदा हो जाता है ना, उसके लिए क्लीन करने के लिए ज़्यादा वाटर लगता है और जितनी देर में स्नो मेल्ट हो रही है ना काम खराब हो जाएगा। फिलहाल मैंने अभी अपनी बकेट के अंदर चाकू मार के देखा तो ऊपर इतनी मोटी लेयरिंग जमी हुई है आइस की, अगर उसे हटा देते तो नीचे से मेरे को वाटर मिल जाएगा। यार इस कैंपिंग का अलग ही मजा है यार, अपनी मतलब हर एक चीज के लिए ना इतना मेहनत करना पड़ता है अपने को, मतलब कैंपिंग ना जीने का सलीका सिखाता है और हर एक चीज की अहमियत सिखाता है। एक अंडा फूट गया है, दो अंडे फूट गए। फिलहाल मैं एग बॉइल्ड होने के लिए रख रहा हूँ, दो अपने लिए और एक एक इन दोनों के लिए। जो बॉइल्ड हो रहे एग उसी वाटर में मैं ये राइस भी डाल रहा हूँ।
अब आप सोच रहे हैं सैम भाई पागल हो गए हो क्या, बॉइल्ड एग के साथ चावल कौन डालता है। आज कुछ नई खिचड़ी बना के दिखाता हूँ आपको। तो जो राइस बॉइल्ड होने के लिए रखे थे उसके अंदर मैं एग डाल रहा हूँ, जो दो एग टूट गए थे। ऑयल डालना था, कैसे डालूँ, ऑयल तो पूरा जमा हुआ है। ऑयल को छोड़ते हैं और इसको उबलने के लिए दोबारा से रख देते हैं। आप सोच रहे हैं सैम भाई पागल हो गए। अरे बेसिकली क्या हुआ कि जो डॉग्स थे ना वो मेरे पास बार बार आके सीटी बजा रहे थे। अब मैंने सोचा कि यार एक एग में उनका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो मेरे पास चावल बचे थे। मैंने सोचा कि चावल उबाल देते हैं और जो एग फूट गए तो उनको डाल देंगे और उसी को ही उबाल के अच्छे से उनको रख देंगे ताकि उनका पेट भी अच्छे से भर जाएगा। तो ये उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं अपने लिए नहीं बना रहा। अपने लिए तो अपन ने एग बॉइल्ड कर लिया है और ब्रेड हो गई है, तो इसको बस सेकना रह गया है, इसको भी सेक लेंगे। तो चावल वगैरह इनका रेडी हो गया है अंडे के साथ। थोड़ा इसको डालता हूँ, थोड़ा तेल को डालता हूँ। तो दोनों खा रहे हैं, दोनों का पेट भर जाएगा। लेकिन वो बड़े वाला क्या है, जहाँ पे छोटा वाला खा रहा है वो वहीं जाके लग रहा है। अब वो इधर आएगा तो वो फिर घूम के इस तरफ आ जाएगा। ओके, तो अपन ने एग निकाल लिए थे उसमें से, लेकिन ये आपके ठंडे हो गए होंगे तो अपन इनको गर्म कर लेते हैं दोबारा से। पर अपन ने ब्रेड सेक ली थी तो इसमें लगा लेते हैं हम लोग तंदूरी मेयोनीज। पर थोड़ी थोड़ी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ताकि अपने को बॉइल्ड एग का भी टेस्ट आ सके। अरे बाप रे, 1:15 हो गया और अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट कुक नहीं हुआ है। देख रहे हो इतना ठंडा है कि पानी गर्म होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। और इसके साथ में हमें बनानी है अभी चाय। शुक्र है दूध नहीं जमा, ये बैग के अंदर था ना इसीलिए। मजा आ गया आज तो। चलो जी, पहले तो अपन एग लगाते हैं ब्रेड के साथ और खाते हैं। अब यार ये लोग मेरे को देख रहे हैं ना, अब वो देखा नहीं जा रहा मेरे से। एक काम करता हूँ, इनको एग दे देता हूँ, क्योंकि मैं तो सेथन विलेज जब जाऊँगा सामान पैक करके मैं वहाँ पे भी खा सकता हूँ। मेरे पास तो ऑप्शन है खाने का, बट इनके पास नहीं है। ब्रेड ऐसे अकड़ गई है ना एटीट्यूड के अंदर, टेम्परेचर इतना डाउन हो रखा है ना यहाँ पे, अभी भी -3 हो रखा है सोचो जहाँ मैं बैठा हूँ अभी। ओके, तो अपना किचन का सेटअप सारा पैक हो गया है, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और दोनों डॉग्स को भी अच्छे से करा दिया है। अब करते हैं सीधा पैकअप, क्योंकि टाइम हो गया है भैया। अरे बाप रे, 1:30 हो गया और लगभग इसे पैक करने में मुझे 1 घंटा लगेगा। तो फटाफट पैक करते हैं और पैक करने के बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली सारा पैकअप हो गया है, अपनी ट्रॉली भी रेडी है, अपना बैकपैक भी रेडी है, और जो हमारी कील जो थी वो मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई। मैंने काफ़ी खोद के देख लिया, नो आइडिया कहाँ घुस गई। स्नो के अंदर अगर कोई छोटी चीज़ छुप जाए ना या गुम जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल अपन ने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है और जो कूड़ा था वो भी कैरी कर लिया है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, कोई गाड़ी आएगी तो उसे लिफ्ट लेके अपन जाएंगे सीधा होम स्टे। ओके, तो अपना एक बैग बचा है, अभी एक गाड़ी आई थी वो जा रही है, तो उसमें मैंने ट्रॉली डाल दी है, वो हमारा सेथन विलेज छोड़ देंगे। बाकी अब बैकपैक बचा है, इनकेस अगर अपने को कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है तो अपन इसको बैकपैक पहन के आराम से वॉक करके जा सकते हैं 4-5 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट ये होगा
35 केजी के आसपास, बट कोई इशू नहीं है, आराम से अपन ट्रेवल कर सकते हैं। तो एडवेंचर ऐसे ही ख़त्म नहीं होता, एडवेंचर के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो गाड़ी मिली नहीं, एक गाड़ी मिली तो उसमें हमने भेज दिया क्योंकि उसके अंदर गेस्ट थे, और अभी दूसरी गाड़ी अपने को मिली नहीं। एक गाड़ी मिली भी लेकिन वो 1000 रुपये मांग रहे थे, तो वो रीज़नेबल नहीं लगा। अपन पैसे देने को दे सकते हैं लेकिन इतने भी नहीं है अपने पास कि अपन लुटा दें। तो अभी मैं वॉक करते हुए चल रहा हूँ जंगल के बीच में, और मज़े से देखते हैं गाड़ी मिलेगी या नहीं। बाकी जो ये वाइट पन्नी दिख रही है, ये हमारा कल का सारा कूड़ा है। वाइब्स अच्छी हैं, बस मैं स्लिप ना हो जाऊं क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइज है पूरी। ओके, तो अपन डैम तक आ गए और हमें जाना है सीधा वहाँ ऊपर की तरफ। यहाँ से आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो सीधा ऊपर ही मिलता हूँ। ओके, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए कर्मा ढाबा पे, और पहुँचने के बाद लिए चैन की राहत और अपना सामान भी सही सलामत आ गया है, और पेट पूजा करते हैं। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आप देखते हैं कि इसके आगे क्या एडवेंचर करने वाले हम लोग, वो आपको इस अगले व्लॉग में पता लग जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो, रील्स डाल रहा हूँ अच्छी अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।